यह कहानी है दो मेंढकों की, जिसमें एक पतला था और दूसरा मोटा। दोनों जंगल के एक छोटे से तालाब में साथ रहा करते थे। बचपन के दोस्त थे दोनों, साथ में ही खेलते कूदते बड़े हुए थे। वे दोनों दिन भर तालाब में कूदते उछलते, गप्पे मारते और मस्ती किया करते थे। उन दोनों को ही तालाब के आसपास के इलाकों की नई नई जगहों में जाकर घूमना अच्छा लगता था। एक दिन ऐसे ही साथ में घूमते हुए दोनों जंगल के बाहर एक खेत में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक ग्वाला अपने गाय से दूध निकाल रहा था। उन्होंने कभी भी किसी को ऐसे दूध निकालते हुए नहीं देखा था। ग्वाले ने दूध निकालकर एक बाल्टी में भरकर रख दिया। वे दोनों उस दूध को देखकर बड़े आश्चर्य में थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले यह कभी नहीं देखा था। उन्होंने तो जंगल में केवल तालाब का गंदा पानी ही देखा था। कुछ देर सोचने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि इस सफेद पानी में तैरने का मजा ही कुछ और होगा। यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ बाल्टी में छलांग लगा दी। वहां जाकर वो देखते हैं, अरे वाह, सफेद पानी, हमने तो यह कभी देखा ही नहीं, ये क्या चीज होती है। दोनों को मजे करने तो पसंद थे ही, वे दोनों वहीं मस्ती करने लग जाते हैं। वे तैर रहे होते हैं, कभी वो गोता मार रहे होते हैं, वे निकल रहे होते हैं। खूब उछल कूद करने के बाद, पूरे मजे करने के बाद, वो जो मोटा वाला मेंढक होता है वो कहता है, चल यार, अब घर जाने का टाइम आ गया, जंगल वापस चलते हैं। वो पतला मेंढक भी कहता है, हाँ यार, चल वापस चलते हैं। वे दोनों बाल्टी से बाहर छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है, वे छलांग लगा नहीं पाते। वो दोनों बाल्टी के किनारे जाकर बाल्टी की दीवारों से छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। वे जब भी कूदने की कोशिश करते हैं उनके पैर फिसल जाते हैं। उन्होंने लगातार कई बार प्रयास किया, कभी बाल्टी के बीच से तो कभी बाल्टी के किनारे उनकी दीवारों के सहारे कूदने का, लेकिन दूध की चिकनाहट और उसकी फिसलन की वजह से वे बाल्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जो वो पतला वाला मेंढक होता है वो मोटे मेंढक को बोलता है, भाई देख, निकलना तो है हमें इस बाल्टी से बाहर, इसलिए हमें कोशिश तो करती रहनी पड़ेगी, पर हमने बहुत बार कोशिश करके देख ली, इसलिए मुझे लगता है हम खुद तो इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो हम क्या करते हैं, हम तैरते रहते हैं, अगर हम तैरते रहेंगे तो कोई ना कोई आकर हमें बाल्टी से बाहर निकाल ही देगा। मोटा मेंढक उस पतले मेंढक की बात मान लेता है और दोनों तैरते रहते हैं। एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे हो गए वो तैरते रहते हैं, कोई आकर उन्हें बाल्टी से बाहर नहीं निकालता। अब जो मोटा मेंढक होता है वो तैरते तैरते थक जाता है। वो कहता है, भाई अब मैं और पैर नहीं चला पाऊंगा, कई घंटों से तैरते तैरते मैं थक चुका हूँ। वो पतला मेंढक कहता है, भाई देख, अगर तू पैर चलाना बंद कर देगा तो तू डूब जाएगा और कुछ देर में सांसें रुक जाएंगी और तू मर जाएगा, अपन को मरना नहीं है, भाई तू पैर चलाता रहे। वो मोटा मेंढक थोड़ी देर तक पैर और चलाता है, फिर कहता है, भाई देख, हमने बहुत साथ दिया एक दूसरे का, हम दोनों बचपन के दोस्त थे, आपस में बहुत मस्ती की, हंसी चिठोली की, हमेशा साथ रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये सब खत्म होने वाला है। आज हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, मैं और मेहनत नहीं कर सकता, मैं और पैर नहीं चला सकता, और अब शायद मैं डूबकर मर जाऊंगा। और उस पतले मेंढक की आंखों के सामने उसका वह बचपन का दोस्त डूबकर मर जाता है। यह सब देखकर वह पतला मेंढक और ज़्यादा तेजी से पैर चलाने लगता है। उसके अंदर आग लग जाती है कि अब कैसे भी करके मुझे इस बाल्टी से बाहर निकलना ही है, मुझे हार नहीं माननी, अगर मैंने भी हार मान ली तो मैं भी मर जाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, पर वो और तेज पैर चलाता जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर थोड़ी देर तक दूध को चलाया जाए तो उसमें से मक्खन बाहर आने लग जाता है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, क्योंकि बहुत घंटों से वो दोनों मेंढक उस दूध में पैर चला रहे होते हैं, इसलिए उस दूध से मक्खन बाहर आने लग जाता है। साथ ही कुछ घंटों से रखे रहने की वजह से दूध को जमने भी लगता है, दही जैसा सेप लेने लग जाता है। दूध के जमने और मक्खन के बाहर आ जाने से मेंढक देखता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा सा हो गया है, अब वह पहले जैसा चिपचिपा नहीं रहा। वह उस मक्खन के ऊपर बैठकर पूरे जोरों से एक छलांग मारता है और वह बाल्टी के बाहर आ जाता है। बाल्टी से बाहर आने के बाद कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आता कि आज उसके साथ क्या हुआ। उसका सबसे अजीज दोस्त, उसका बचपन का यार,
आज उसकी ही आंखों के सामने डूबकर मर गया था। और उसकी मौत क्यों हुई? क्योंकि उसने हार मान ली। अगर वो भी थोड़ी देर तक और पैर चलाता रहता, हार ना मानता, तो आज वो भी जिंदा होता, तो आज वो भी बाहर आ जाता। वो पतला मेढक बाहर निकलने के बाद जंगल जाता है। जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वह मेढक एक लेडी मेढक के साथ शादी कर लेता है। शादी के बाद उसके बच्चे होते हैं। वह अपने बच्चों का नाम अपने उस मोटे दोस्त के नाम पर रखता है और अपने बच्चों को रोज शाम को वह पतला मेढक यही कहानी सुनाता है कि मेरा एक मोटा दोस्त हुआ करता था जिसके साथ मैं पूरे जंगल में घूमा करता था। हम सुबह से शाम तक खेला करते थे। एक दिन हम दोनों एक बाल्टी में गिर गए जिसमें दूध था और मेरा जो दोस्त था उसने हार मान ली। क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वो मारा गया। मैं तुम बच्चों को भी यही सिखाना चाहता हूँ कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी हार मत मानना। अगर तुम लोगों ने हार मान ली तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरे दोस्त का हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि दूध का दही जरूर बनेगा लेकिन उसमें वक्त लगता है, और अगर हमने वक्त से पहले हार मान ली तो हमारा भी वही हाल हो सकता है। हो सकता है हमें ज़िंदगी में अभी तक वो सब ना मिला हो जो हम चाहते हैं, लेकिन लाइफ में मिलता उन्हें ही है जो कभी हार नहीं मानते। ये भी हो सकता है कि हमें वो सब ना मिले जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ये सुकून कौन छीन पाएगा कि हमने उस चीज़ को पाने के लिए आखिरी दम तक प्रयास किया। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, हम हारते तब नहीं जब लोग हमसे कहते हैं कि तू हार गया, बल्कि हम हार तब जाते हैं जब हम खुद हार मान लेते हैं।